हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इंडियन मिसाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे। इस टॉपिक पर स्टूडेंट्स एक वीडियो इसके पहले भी अपलोड किया जा चुका है, तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। उसमें हम लोगों ने कुछ मिसाइल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो किस तरीके के मिसाइल होते हैं, कहाँ पर किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे के मिसाइल को देखते हैं। स्टूडेंट्स, है ये देखिए क्रूज़ मिसाइल। ओके, इसके पहले हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल तक का हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल क्या होता है? क्रूज़ मिसाइल इज़ अ गाइडेड मिसाइल। ठीक है, यह एक गाइडेड मिसाइल होता है, यूज्ड अगेंस्ट टेरिस्ट्रियल टारगेट दैट रिमेन इन द एटमॉस्फियर एंड फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फाइट पाथ एट अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, क्रूज़ मिसाइल ये एक गाइडेड मिसाइल होता है, निर्देशित मिसाइल होता है, जिसका उपयोग स्थलीय लक्ष्य के खिलाफ किया जाता है जो वायुमंडल में रहता है और लगभग निरंतर गति से अपने उड़ान पथ के प्रमुख हिस्से को उड़ाता है। ओके, और क्रूज़ मिसाइल आर डिज़ाइन टू डिलीवर अ लार्ज वॉरहेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई प्रिसीशंस। ओके, क्रूज़ मिसाइलों को उच्च परिशुद्धता के साथ लंबी दूरी पर एक बड़े वॉरहेड देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, मॉडर्न क्रूज़ मिसाइल्स आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग एट सुपरसोनिक या हाई सबसोनिक स्पीड्स, आर सेल्फ नेविगेटिंग एंड आर एबल टू फ्लाई ऑन अ नॉन बैलिस्टिक एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी। जो आधुनिक ये मॉडर्न क्रूज मिसाइल है, ये सुपरसोनिक या उच्च उपगति पर यात्रा करने में सक्षम है। जो ये मॉडर्न क्रूज मिसाइल है, ये हाई स्पीड पर यात्रा करने में ये कैपेबल है। ये खुद से नेविगेट कर सकता है ऑटोमेटिकली, और एक गैर बैलिस्टिक बेहद कम ऊंचाई वाले प्रक्षेप वक्र पर उड़ान भरने में सक्षम है। मतलब ये बहुत ही अच्छी मिसाइल है, और ये मॉडर्न टेक्निक पर बेस्ड है, सेल्फ नेविगेटिंग है, सबसोनिक स्पीड इसमें मतलब इसकी स्पीड जो होती है सबसोनिक स्पीड हाई है सबसे ज़्यादा, और आर एबल टू फ्लाई ऑन ए नॉन बैलिस्टिक एंड एक्सट्रीमली लो अल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ये बेहद कम ऊंचाई वाले प्रक्षेप वक्र पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। तो ये हम लोगों ने देखा क्रूज मिसाइल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट मिसाइल क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल डिज़ाइन टू काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूज टू डिलीवर न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और कन्वेक्शनल वॉरहेड्स इन अ बैलिस्टिक फ्लाइट ट्रैजेक्टरी। ओके, द टर्म एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इज अ जेनेरिक टर्म कन्वेइंग अ सिस्टम डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी टाइप ऑफ बैलिस्टिक थ्रेट। हाउएवर, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइन टू काउंटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ABM जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बैलिस्टिक मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेप वक्र में परमाणु, रासायनिक, जैविक या पारंपरिक वॉरहेड वितरित करने के लिए उपयोग की जाती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शब्द एक सामान्य शब्द है जो किसी भी प्रकार के बैलिस्टिक खतरे को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली को व्यक्त करता है। हालांकि यह आमतौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस पर इस सिस्टम के लिए ही उपयोग किया जाता है। मतलब ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल से मुकाबला करने के लिए इस मिसाइल का को तैयार किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है एंटी सैटेलाइट वेपन्स ASAT। एंटी सैटेलाइट वेपन ये क्या है? एंटी सैटेलाइट वेपन्स आर स्पेस वेपन डिज़ाइन टू इनकैप्सुलेट टू या डिस्ट्रॉय सैटेलाइट फॉर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पर्पजेज। सेवरल नेशंस पोजेजेज ऑपरेशनल ASAT system, although no ASAT system has yet been utilized in warfare, a few nations have shut down
their own satellite to demonstrate their ASAT capabilities in a show of force. Only the United States, Russia, China and India have demonstrated this capability successfully. ASAT अंतरिक्ष हथियार है जो सामरिक सैन्य उद्देश्यों के उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए. एसेट क्या है? एक ये स्पेस वेपन है, ठीक है, अंतरिक्ष हथियार है जो कि ये किसी भी क्या है उपग्रहों को, ठीक है, ये किसी भी सैटेलाइट को उपग्रहों को नष्ट करने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए ये तैयार किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, ठीक है. और बहुत सारे ये राष्ट्रों में क्या है इसका, देशों के पास इसका सिस्टम है, ठीक है. अभी भी इस समय युद्ध में अभी तक कोई भी एसेट प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुछ देशों ने बल्कि एक शो में अपनी एसेट क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए अपने स्वयं के उपग्रहों को ही गोली मार दी. मतलब वो केवल बता रहे हैं कि हाँ इस तरीके से हमारे यहाँ ये एसेट प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है जब भी कोई ऐसी आपत्तिजनक स्थिति आएगी. तो ओनली केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, चाइना, रूस और भारत ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन में क्या करना था, कुछ देशों ने बल के एक शो में अपनी एसेट क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए अपने स्वयं के उपग्रहों को ही गोली मार दी. तो इन देशों में कौन कौन से देश हैं आपके, चाइना, रशिया, इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एंटी सबमरीन मिसाइल. ओके, एंटी सबमरीन मिसाइल मतलब जो पानी के अंदर का जो मिसाइल, ये आपका मिसाइल होता है, पनडुब्बी जिसको हम कहते हैं, ठीक है. एंटी सबमरीन मिसाइल इज ए स्टैंड ऑफ एंटी सबमरीन वेपन. एंटी सबमरीन मिसाइल, ये इसको कहते हैं पनडुब्बी रोधी मिसाइल. पनडुब्बी रोधी मिसाइल एक पनडुब्बी रोधी हथियार है, ठीक है. ऑफन अ वेरिएंट ऑफ एंटी शिप मिसाइल डिज़ाइन एंड एंटी सबमरीन सिस्टम टिपिकली यूज अ जेट और रॉकेट इंजन टू डिलीवर एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड एम डायरेक्टली एट अ सबमरीन. अ डेप्थ चार्ज और अ होमिंग टॉरपेडो दैट इज कैरीड फ्रॉम अ लॉन्च शिप और अदर प्लेटफॉर्म टू द विक्सिनिटी ऑफ अ टारगेट. अक्सर जहाज रोधी मिसाइल का एक संस्करण एक पनडुब्बी रोधी प्रणाली का डिज़ाइन करता है जिसे देने के लिए आमतौर पर एक जेट या रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है. एक पनडुब्बी पर सीधे निशाना लगाने वाला विस्फोटक एक गहराई प्रभार या एक घर का बना टॉरपीडो जो एक लक्ष्य के आसपास के क्षेत्र में लॉन्च शिप या अन्य प्लेटफॉर्म से लिया जाता है. एंटी सबमरीन मिसाइल को क्या कहते हैं, पनडुब्बी रोधी मिसाइल. ये एक पनडुब्बी रोधी हथियार है. तो क्या होता है, अक्सर जो आपका जहाज रोधी मिसाइल होता है वह एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल को ये डिज़ाइन करता है, ठीक है, जिसे आमतौर पर एक जेट या रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है. किसमें, एंटी सबमरीन मिसाइल पे आमतौर पर ये एक जेट या रॉकेट इंजन का यूज़ किया जाता है. ओके, ये एंटी शिप मिसाइल जो होते हैं यही डिज़ाइन करते हैं एंटी सबमरीन सिस्टम को मैक्सिमम, और उसमें रॉकेट इंजन या आपका नॉर्मली एक जेट इंजन का यूज करते हैं, ठीक है. तो एक पनडुब्बी पर सीधे निशाना लगाने वाला विस्फोटक एक गहराई या एक घर का एक टॉरपीडो की तरह, एक पनडुब्बी देख आप लोग देखे ही होंगे कि ये एक टॉरपीडो के आकार का ये होता है और उसी के क्षेत्र में ये लॉन्च शिप या अन्य प्लेटफॉर्म से लिया जाता है. तो ये हो गया एंटी सबमरीन मिसाइल. तो स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रही हूँ. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के मिसाइल्स को देखेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.